जब भी न्यायाधीश या जज फांसी की सजा सुनाते हैं तो वो अपनी पेन की निब को तोड़ देते हैं। फांसी की सजा कानून में सबसे बड़ी सजा है और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मामलों में दी जाती है, क्योंकि इस सजा की वजह से किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है और साथ ही ऐसी उम्मीद भी की जाती है कि फिर से देश में किसी भी प्रकार का जघन्य अपराध ना हो सके। तो आइए देखते हैं कि आखिर जज फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की निब को क्यों तोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत है आपका माई ग्रो एजुकेशन पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना ना भूलें। यदि हम भारत के इतिहास पर गौर करें तो हम सभी जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों द्वारा शासन किया गया, जिन्होंने हमारे देश में कानून और व्यवस्था को लागू किया। जिस तरह से अंग्रेजों के द्वारा कानून व्यवस्था का प्रबंधन किया गया, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी उसमें से कुछ संस्कृतियों का पालन हम आज भी कर रहे हैं, जिनमें से जज के पेन तोड़ने की प्रक्रिया भी शामिल है और यह एक सिंबॉलिक कार्य को दर्शाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मृत्यु दंड की सजा ज्यादा संगीन कार्य के लिए दी जाती है और ये तब दी जाती है जब कोई अन्य विकल्प ना बचा हो। इसलिए जब भी सजा को सुनाया जाता है तो इस सजा की वजह से किसी भी व्यक्ति के जीने का अधिकार समाप्त हो जाता है, तो जज पेन की निब तोड़ देता है ताकि उसे दोबारा से इस्तेमाल ना किया जा सके। सजाए मौत एक दुख की बात है, लेकिन कभी कभी ऐसी सजा देना भी जरूरी हो जाता है और इस सजा को सुनाने के बाद जज पेन की निब को तोड़कर अपना दुख व्यक्त करता है ताकि किसी भी प्रकार का दोष मन में ना रहे। तो क्या आपको पता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता, वहाँ पर इस तरह के नियम का कोई जिक्र नहीं है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पेन की निब तोड़ने की प्रक्रिया एक व्यक्तिगत न्यायाधीश का एकमात्र विश्वास हो सकता है। कानून में कहीं भी इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं किया गया।